चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीरी के लिए अहम पेशरफ सुनने तहत काउंसिल के आमिर डोगर की दिल्ली के रहनुमा तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उसामा, काफी देर से मामला पेंडिंग है, अब मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगा? देखें, कल एक अहम पेशरफ हुई थी इसमें, जिसमें जो हुकूमत की जानिब से जो चार नाम थे पीएससी के लिए वो मांगे गए थे। चेयरमैन पीएससी के लिए चार नामों के लिए जो लेटर था वो इन्होंने ऑपोजिशन लीडर को भी भेजा था और चीफ वेब को भी भेजा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ वेब है आमिर डोगर, उनकी जानिब से आज एक अहम मुलाकात हुई है तारिक फजल चौधरी के साथ, और उन्होंने उनको ये तमाम मामला के हवाले से आगाह किया है और मुश्तरका जो पार्टी क्यादत का फैसला था वो उन तक पहुंचाया है, जिसका जो ये है कि सामने आया है कि आमिर डोगर ने ये बताया है कि चेयरमैन पीएससी के लिए ऑपोजिशन शेख वकास अकरम का नाम जो है अब वो बरकरार रखेगी। और इसके अलावा जो चार नाम मांगे गए थे उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से सिर्फ एक नाम ही दिया जाएगा जो कि शेख वकास अकरम।